तो दोस्तों अगर कोई बंदा कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है और उस मोबाइल में उसने वाईफाई को इनेबल किया हुआ है, किसी दूसरे का वाईफाई को उसने इनेबल करके रखा हुआ है और आपने उस बंदे से मांगा कि वाईफाई का मुझे पासवर्ड दे दीजिए, तो क्या हुआ कि वो बंदे ने आपको वाईफाई का पासवर्ड देने के लिए मना कर दिया। तो दोस्तों इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि अगर वो बंदा वहाँ पर वाईफाई को यूज़ कर रहा है तो उस वाईफाई के पासवर्ड को उस मोबाइल से कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आपको यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे दो डिवाइस दिखाने वाला हूँ, एक डिवाइस है रियलमी और दूसरा डिवाइस है रेडमी। रियलमी के डिवाइस में आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं, पर रेडमी के डिवाइस में आपको वाईफाई का पासवर्ड देखने को नहीं मिलेगा। पर कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, उस टिप्स को फॉलो कीजिएगा तो आपको वहाँ पे वाईफाई का भी पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ रियलमी के डिवाइस में आप वाईफाई का पासवर्ड को कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने मोबाइल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले ऊपर में आप देख सकते हैं इसमें वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है। तो जब आपका इसमें वाईफाई अगर कनेक्ट किया हुआ रहेगा तभी आप यहाँ पे वाईफाई के पासवर्ड को निकाल सकते हैं। अगर डिस्कनेक्ट किया हुआ रहेगा देन आप यहाँ पे वाईफाई के पासवर्ड को नहीं निकाल सकते हैं। तो वाईफाई यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको वाईफाई वाले ऑप्शन में जाना है। वाईफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे वाईफाई नीचे में देखने को मिलेंगे। तो जो यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ रहेगा वो सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा और ब्लू में यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कनेक्टेड। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे पर आपको वाईफाई का पासवर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो वाईफाई के पासवर्ड को निकालने के लिए ऊपर में देख सकते हैं वाईफाई QR कोड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई का पासवर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है और साथ में QR कोड देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों रेडमी के डिवाइस में अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वाईफाई का पासवर्ड नहीं मिलेगा। चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास रेडमी का डिवाइस है और इसमें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि वाईफाई के पासवर्ड को कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी वाईफाई कनेक्ट किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद वाईफाई वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऊपर में ही आपको यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट देखने को मिलेगा, जो भी कनेक्ट रहेगा वो आपको ब्लू में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे एरो देखने को मिल रहा है, अगर इस पर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा पर आपको यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद बीच वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस बीच पर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे बीच पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे QR कोड देखने को मिल जाएगा पर आपको यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नियर बाई शेयर का, ये आप देख सकते हैं नियर बाई वाला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे में आपको टर्न ऑन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा और जैसे आप यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक कीजिएगा तो देन आप यहाँ पे देखिएगा वाईफाई का पासवर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोई भी डिवाइस में वाईफाई के पासवर्ड को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।